हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर मैं अमरस बना रही थी और मैं इस तरह से बनाती हूँ अमरस। एक्चुअली मैं कुछ नया नहीं बताऊँगी आपको, क्योंकि सब भी बनाते होंगे अमरस। और इस टाइम ना सीज़न है, तो अभी आम लाए थे इन्होंने बहुत सारे, तो मैंने सोचा चलो इसके अमरस बना लेती हूँ। क्योंकि अमरस ना थोड़ा सा उसमें चीनी वीनी डलती है, तो इसी वजह से ज़्यादा वो होता है, मतलब क्या बोलते हैं, तो कैलोरीज ज़्यादा होती है। इसी वजह से बहुत कम आमरस बनाती हूँ। बच्चों का मन किया तो फिर उस उनको मैं शेक बना के दे देती हूँ, वैसे पतला वाला। बट ऐसे आमरस खाने के लिए, खाने के साथ तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि इन्हें भी बहुत कम पसंद है आमरस। और फिर खाने वाली मैं ही होती हूँ, तो इसी वजह से मैं नहीं खाती हूँ। फिर थोड़ा सा वो टेंशन आ जाता है उसको खाने के बाद, तो इसी वजह से। और कभी बना लेती हूँ ना, तो ऐसे फिर खा लेती हूँ। कभी कभी एक आध बार बनाती हूँ तो खा लेती हूँ। तो आज बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ, ऊपर का छिलका निकाल लेती हूँ, और फिर उसके बाद उसके जो स्लाइस है वो निकाल लेती हूँ। और उसके बाद फिर उसमें थोड़ी सी चीनी और दूध ऐड करके मैं अमरस बनाती हूँ। और किस किस को अमरस पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और हमारे यहाँ पे ना बहुत से लोग इसे रोटी के साथ भी खाते हैं, बट मेरे घर पे रोटी के साथ नहीं खाते हैं, मतलब महाराष्ट्र में बोल रही हूँ। महाराष्ट्र में रोटी के साथ भी बहुत से लोग इसे खाते हैं। और आपकी साइड में भी रोटी के साथ खाते हैं क्या, ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। और इसे ना स्टोर करके भी रखते हैं बहुत से लोग, जैसे कि बिना पानी का रस जो होता है वो स्टोर करके रखते हैं और फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। एक्चुअली जब मतलब ये आम का सीज़न नहीं होता है, तो उस टाइम वो यूज़ कर सकते हैं, इसी वजह से वो स्टोर करके रख देते हैं उस टाइम। तो ये स्टोर करके भी रखते हैं, और इसकी पपड़ी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है यार। बट ना मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे पता नहीं, बनानी आती नहीं है पपड़ी। बट जो पपड़ी बनती है ना इसकी, अरे यार मज़ा आ जाता है खाने का। आप लोग भी आम की पपड़ी बनाते हो क्या, ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। एक्चुअली यही रस होता है लगता है, मतलब रस को ही सुखाने के लिए डालते हैं और उसकी पपड़ी बनाते हैं लगता है। बट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मेरा जो आम रस है वो बन के रेडी हो गया था, और बहुत ज़्यादा यम्मी दिखता है, लगता भी बहुत ज़्यादा यम्मी है। बट कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है इसमें। और यहाँ पर ना क्या बोलते हैं, तो बारिश हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा। बट ये आ गए थे, तो ये देखो हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ये भी ड्यूटी से आ गए थे यहाँ पे उस टाइम। और ये ड्यूटी से आने के बाद ना बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई फिर उसके बाद, तो अच्छा हो गया था ये भीगे नहीं, मतलब ये आ गए थे। और उसके बाद फिर जैसे ही ये अंदर आए नहाने गए, मतलब वैसे ही वो नहाने जाते हैं, आने के बाद अंदर नहीं आते हैं डायरेक्टली, उधर के गेट से आते हैं, और उधर के गेट से मतलब पीछे की साइड से बाथरूम में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक्चुअली मेरा तो फेवरेट ही मौसम है ये, और बारिश होती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत से लोगों को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मुझे ना बारिश होती है तो इतना ज़्यादा मतलब सुकून मिलता है दिल को। तो मैं ना क्या करती हूँ कि बाहर जाती हूँ, मतलब वहाँ पर पोर्च में जहाँ पर हम लोग चाय नहीं लेते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जाती हूँ और बैठ जाती हूँ, मतलब बारिश का मज़ा लेती हूँ। तो बहुत अच्छी लगती है मुझे बारिश, इसी वजह से मैं शूट कर रही थी आपके लिए और मेरे लिए भी खुद के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और ना ग्रीन नेट उड़ गई थी, आज भी टूट गई थी, तो इसी वजह से वो बार बार लगा रहे हैं, बार बार निकल जा रही है, तो इसी वजह से उन्होंने ना निकाल ही दी पूरी। तो यहाँ पर बन रहा है बटर चिकन, और आज ना मैं नहीं बटर चिकन बना रही हूँ, तो ये बनाने वाला है बटर चिकन। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो, इनको बोला था मैंने कि रेसिपी शेयर करना, तो इन्होंने ये शूट किया था। तो एक्चुअली मैं जैसे शूट करती हूँ ना वैसे नहीं, बहुत प्रॉपरली शूट किया था। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा हल्दी और नमक लगा के पहले उसे रख दिया है चिकन को, उसके बाद उसमें डाला है दही, और थोड़ा सा दही डाल के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और उसमें फिर नमक ऐड करके, मतलब नमक पहले नहीं डाला था, सॉरी नमक बाद में ऐड किया है, और फिर लाल मिर्च ऐड की है, हल्दी सिर्फ लगाई थी उसको पहले तो। और इसके बाद अच्छे से मैरिनेट करके रख देंगे ये सारी चीज़ें, अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके साइड में रख देंगे चिकन को, और उसके बाद मसाले की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर लिया है कुछ काजू लिए हैं, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, और लिया है क्या बोलते हैं चिकन मसाला, और नमक, धनिया पत्ता,
और वो क्या बोलते हैं कसूरी मेथी ली है, फिर यहाँ पर बटर चिकन बनाने के लिए बटर लिया है, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और ये जो है वो ताज़ी मलाई है, उसके बाद ये प्याज लिए है चॉप करके बड़े बड़े से, और उसके बाद लिया है 2 टमाटर। तो बस इसे अच्छे से इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो इसे पहले ना क्या करना है, एक कढ़ाई रखनी है गैस पे, और उसके बाद फिर उसमें सारे मसाले मिक्स करने हैं। जैसे कि पहले मैंने, मतलब मैंने बोल रही हूँ, इन्होंने तेल ऐड किया, उसके बाद ये क्या बोलते हैं तो बटर ऐड कर दिया, और उसके बाद सारे मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि प्याज, टोमेटो, और फिर सारी चीज़ें, मतलब जो काजू वगैरह डाल दिया ना वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर शायद इलायची डाली है, तो मुझे एक्चुअली पता नहीं था, ये इन्होंने ही शूट किया, तो फिर मुझे इतना पता नहीं था। मैं ना अंदर कुछ कर रही थी उस टाइम, तो इन्होंने बोला कि आप रेस्ट करो मैं बनाता हूँ, तो इसी वजह से इन्होंने बना लिया। तो यहाँ पर इलायची डाली है, और उसके बाद फिर ये प्याज डाला है, और बटर चिकन ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो मैंने पहले इनको बोला था कि नहीं खाऊंगी, बट बाद में इनको बोला कि नहीं, मुझे देख के ही ऐसा लग रहा है कि खाने का मन कर रहा है, तो इसी वजह से मैंने खाया, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। ये बोल ही रहे थे मुझे कि नहीं पछताओगी तुम नहीं खाओगी तो, बट मैंने जब खाया तो फिर मुझे लगा ही सच में कि नहीं पछताया होता ही मेरा कि मैं पछताती ही। और यहाँ पर देखो प्याज डाल दिया है, उसके बाद टोमेटो डाल दिया है, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और यहाँ पर 10 से 12 काजू डाल दिए हैं, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी ग्रेवी बनानी है हमें, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद उसमें जो मसाले हैं वो डालेंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर हो गई, फिर थोड़ा सा नमक हो गया। नमक इसलिए डालना है कि वो जो टोमेटो हमने ऐड किया है वो गलने के लिए नमक ऐड करना है इसमें, और बाद में हमें नमक नहीं ऐड करना है। फिर उसके बाद तो यहाँ पर पानी थोड़ा सा डाल दिया है, और अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे, और फिर धनिया पत्ता ऊपर से डाल रहे हैं, और फिर जो मसाले हैं वो भी डाल देंगे। उससे पहले अच्छे से चला लेंगे इसे सारी चीज़ों को, ताकि ये नीचे से मतलब लगे ना कढ़ाई को, इसी वजह से अच्छे से चला लेंगे, और उसके बाद इसे ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, मतलब ये टोमेटो वगैरह गल जाने चाहिए। और उसके बाद ये पूरा मसाला रेडी हो गया है यहाँ पे, फिर इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे थोड़ी देर, और फिर उसके बाद इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो इसकी पेस्ट बना लेंगे, अच्छे से फाइन पेस्ट बनानी है हमें इसकी, और उसके बाद हमें उसकी ग्रेवी बनानी है। तो इन्होंने ये प्लेट में निकाल लिया है, और उसके बाद इसे ठंडा होने देंगे, ताकि अगर गरम गरम निकालेंगे ना तो वो मतलब ढक्कन उड़ने का डर रहता है, इसी वजह से गरम नहीं निकाल सकते हैं मिक्सी में, तो इसीलिए ये ठंडा होने रख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर चिकन बना रहे हैं, मतलब चिकन फ्राई जैसे ही कर रहे हैं। तो पहले क्या किया है, उसमें जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था उसमें पहले ऑयल डाला है, उसके बाद वो ऑयल में चिकन डाल दिया है, और अभी ये ढक के रख देंगे चिकन को। तो यहाँ पर ग्रेवी के लिए जो मसाला है वो पीसने की तैयारी हो रही है, तो अभी ये जो मसाला है वो पीस लेंगे, ठंडा हो गया था ये मसाला, अभी इसे पीस लेंगे अच्छे से, और फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका। तो यहाँ पर पेस्ट रेडी हो गया था, और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया है इन्होंने। और उसके बाद वो चिकन जो है वो देखेंगे, तो चिकन हमारा लगभग बन ही चुका था, मतलब पक चुका था, तो चिकन पकने तक हमें इसे स्टीम ले लेनी है इसमें। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो चिकन को भी कलर बहुत अच्छा आ चुका है, और उसके बाद हम लोग अभी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले ग्रेवी के लिए हमें क्या करना है कि थोड़ा सा ऑयल डाल देना है कढ़ाई में, और उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देना है उसके बाद, और फिर उसे अच्छे से चला लेना है, ताकि हमारा जो मसाला है वो तेल छोड़ने लगे, तब तक आपको चलाना है इसे। एक्चुअली ये पक चुका होता है पहले ही, फिर भी इसे चलाना इसलिए होता है कि ताकि इसका जो पानी है थोड़ा सा भी पानी ना रहे इसमें, इससे ये तेल छोड़ने लगे, तब तक आपको इसका मसाला जो है वो पका लेना है, और उसके बाद आपको जो चिकन आपने बना के रखा था वो उसमें मिक्स करना है, और ऊपर से मसाले ऐड करने हैं, जो बाकी के मसाले हमने क्या बोलते हैं निकाल के रखे थे वो मसाले बाद में ऐड करने हैं। थोड़ा सा मिक्सी के पॉट में ही पानी ले लिया था उन्होंने, और उसके बाद वो पानी ऐड कर दिया है। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, या आपको ज़्यादा मतलब गाढ़ा चाहिए तो आप गाढ़ा रख सकते हो, जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड कर सकते हो।
तो इन्हें इतना लगा कि इतना रखना चाहिए, कंसिस्टेंसी इसकी इतनी रखनी चाहिए, तो इसी वजह से इन्होंने इतनी रखी। उसके बाद फिर ये जो मसाले हैं वो ऐड कर रहे हैं, मतलब जो चिकन मसाला वगैरह वहाँ पर रखा था निकाल के वो, और फिर कसूरी मेथी थोड़ा सा घिस लेना है हाथ पे कसूरी मेथी को, उसके बाद ऐड करना है, इन्होंने घिस के रखी थी वो। और फिर उसके बाद फिर धनिया पत्ता ऊपर से ऐड करना है उसके, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था जो बटर चिकन है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। एक बार ज़रूर ट्राई करना, बना के देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। पहले मैं भी खाने वाली नहीं थी, बट इन्होंने जब बोला मुझे खाने के लिए तो मैंने जब खाना स्टार्ट, सच में कंट्रोल नहीं हुआ था मुझसे, सच में बहुत अच्छा बना था। उसके बाद ये जो दूध के ऊपर की मलाई निकाली थी इन्होंने, ये ताज़ी ताज़ी ही निकाली थी। और फिर ये भी डाल दी है उसमें, आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हो, और अगर नहीं है तो घर के ऐसे मलाई भी ऐड कर सकते हो। तो मलाई ऐड कर दी है और उसके बाद इसे अच्छे से चला लेना है ताकि इसका फ्लेवर इसमें आ जाए अच्छे से, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। अभी मुझे जब मैं एडिट कर रही हूँ ना, तभी भी मुझे उसकी टेस्ट याद आ रही है, तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था। तो चलिए फिर यहाँ पर बन गया था हमारा बटर चिकन, और इसके बाद हम लोग डिनर कर लेंगे, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गाइस फाइनली बारी आ गई है जिसका आप इतनी देर से इंतजार कर रहे थे देखने का, कि जीजू ने मुझे गिफ्ट्स क्या दिया है बर्थडे पे। तो सबसे पहला गिफ्ट दिया है जीजू ने मुझे, ये गेस कर लीजिए पहले ये क्या है। अगर नहीं कर सकते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये है मोबाइल का कवर, और ये मुझे दिया है OnePlus 7T जीजू ने गिफ्ट। एक्चुअली ये मुझे बोल रहे थे कि OnePlus 7T Pro ले लो, बट मैंने इनको बोला कि नहीं बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, और कैमरा के काम है मुझे, और कैमरा तो इसमें और उसमें सेम है, तो इसी वजह से मैंने OnePlus 7T लिया है, OnePlus 7T Pro नहीं लिया। ये फ़ोन जब मुझे रिसीव हुआ था उस टाइम मैंने इसकी अनबॉक्सिंग जब की थी तो एक वीडियो शूट कर लिया था, सबसे पहले आप वो देख लीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़ोन कैसा है। तो गाइज जैसे ही मुझे ये रिसीव हुआ था, उसके बाद तो कुछ देर तक तो मैंने ये सैनिटाइज करने के लिए बाहर ही रख दिया था। एक्चुअली मुझे पता था इन्होंने क्या ऑर्डर किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है ना कि ये सब कुछ मुझे बता देते हैं, सरप्राइज़ नहीं रखते हैं कुछ भी। एक्चुअली सरप्राइज़ रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मुझे पूछ के ही वो ऑर्डर करेंगे ना, तो इसी वजह से उसका सरप्राइज़ का नहीं होता है कुछ भी। तो इसीलिए मुझे पता था कि ऑर्डर कर दिया है इन्होंने, उसके बाद ये आ गया था मेरे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये जो फ़ोन है इस तरह से मुझे रिसीव हुआ था, और उसके बाद ये इसमें ब्लू कलर मैंने लिया है। एक्चुअली इसमें बहुत सारे कलर थे, बहुत सारे मीन्स ब्लैक और ग्रे ही कलर, बहुत सारे नहीं बोल सकती हूँ। तो मुझे ना वो ब्लैक एंड ग्रे जो कलर है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो इसी वजह से मैंने ब्लू ऑर्डर किया था। तो इस तरह से ये मुझे फ़ोन रिसीव हुआ है, उसके बाद ये जो इसमें कवर रिसीव हुआ है मतलब ट्रांसपेरेंट वाला, उसके बाद ये पिन है जो हम लोग सिम वगैरह निकालने के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर वो जो क्या बोलते हैं चार्जर मिला है। तो इसका चार्जर बहुत ज़्यादा अच्छा है यार, बड़ा है बट बहुत जल्दी चार्जिंग होती है इससे। तो ये है चार्जर मिला है, और उसके बाद फिर ये अलग अलग आता है, तो इसमें ना ईयरफोन्स वगैरह नहीं आते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो बता रही हूँ मैं, ईयरफोन्स वगैरह नहीं आते हैं। एक्चुअली इसमें सादे वाले ईयरफोन्स भी नहीं लगते हैं, इसमें ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स लगते हैं। एक्चुअली मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको आप में से किसी को नहीं पता होगा, इसीलिए मैं बता रही हूँ, अगर आपको लेना हो तो थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, अगर आपको परचेस करना हो ये वाला फ़ोन। तो मैंने ओपन भी कर लिया था इसके बाद, मतलब स्टार्ट भी कर दिया था मैंने ये। तो ये है वो फोन, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से इसे लेना चाहती थी, और इनको लगा कि चलो बर्थडे पे गिफ्ट कर देते हैं, बर्थडे आ रहा है, तो इसी वजह से इन्होंने ये गिफ्ट कर दिया मुझे। और सेकंड इन्होंने मुझे गिफ्ट क्या दिया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सेकेंड गिफ्ट है मेरा ये, तो इसपे ऊपर निकॉन लिखा है, बट निकॉन का कैमरा नहीं है ये, तो ये DSLR दिया है मुझे इन्होंने गिफ्ट। तो ये है कैनन का कैमरा, एक्चुअली निकॉन की केस दी है उन्होंने ऊपर की, बट ये कैनन का कैमरा लिया है मैंने। और ये है मेरा सेकेंड गिफ्ट, इसे भी मैं काफ़ी दिनों से लेना चाहती थी, बट फाइनली मेरे हाथों में है ये, और यार मेरा सपना पूरा हो गया इसको देख के। तो बहुत दिनों से इसका सपना था मुझे, मतलब इसको लेना था मुझे, और इन्होंने मुझे दे दिया ये बर्थडे पे गिफ्ट। तो ये है वो कैमरा, कैनन का है, और इसका अगर आप नंबर देखना चाहते हो तो ये है कैनन EOS M50।
M50 कैमरा है। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए, दोनों का लिंक चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना कितने का है। तो ये है वो कैमरा, और ये मिररलेस कैमरा है, थोड़ा सा हेवी है बट बहुत ज़्यादा क्लियरिटी अच्छी है इसकी। मुझे बहुत दिनों से लेना था ये, लगभग 8 से 9 महीने हो गए मैं इसको लेना चाहती थी, बट फाइनली इन्होंने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दे दिया ये, और मेरा सपना पूरा हो गया इसको देख के। तो ये हाथों में है मेरे अब। तो ये है वो कैमरा, सेकंड मेरा जो गिफ्ट है बर्थडे गिफ्ट वो ये है। और आपको इसके साथ अभी अच्छे अच्छे पिक्स देखने के लिए मिलेंगे मेरे। अभी थोड़ा सा इसे सीखने में मुझे टाइम लगेगा, जब मैं इसे सीख जाऊंगी तब मैं इससे व्लॉगिंग भी करूंगी और इससे अच्छे अच्छे पिक्स भी खींचूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टा पे। तो इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा, इसके साथ खींचे हुए पिक्स आपको इंस्टा पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये है मेरा सेकेंड गिफ्ट, और मैंने आपको बोला था ना कि 1 लाख के गिफ्ट्स दिए हैं मुझे इन्होंने, तो और दिए हैं मुझे इन्होंने कुर्तीज गिफ्ट्स। तो कुर्तीज जो है उसका हॉल आपको सेपरेट देखने के लिए मिल जाएगा। कुर्तीज भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई वो सारी कुर्तीज, मतलब इन्होंने मुझे दिखा के ही ऑर्डर की थी, बट बहुत ही ज़्यादा प्यारी कुर्तीज़ है। आप भी देखोगे ना आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है वो कुर्तीज़। और उसमें से एक कुर्ती एक्चुअली मैंने पहन भी ली है येल्लो कलर की बर्थडे पे, तो जब रात को केक कट किया था उस टाइम वो जो कुर्ती पहनी थी मैंने येल्लो कलर की, वो इसमें से ही एक है। बट जो बाकी की कुर्तीज है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, वो भी कुर्ती बहुत प्यारी है। आपने उसे पूरा नहीं देखा है बट वो भी कुर्ती बहुत ज़्यादा प्यारी है, मैं आपको उस हॉल में दिखा दूंगी वो वाली कुर्ती भी। और आप वो हॉल देखना मत भूलिएगा, मैं कुर्तीज हॉल जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। तो यही थे मेरे गिफ्ट्स जो इन्होंने मुझे बर्थडे पे दिए हैं और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और कुर्तीज़ भी आपको अच्छी लगने वाली है। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके ही जाना। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। और हाँ, मेरे 2 चैनल और है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मराठी ब्लॉग चैनल भी है मेरा एक, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ साथ इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।